आ गया वहां पे गेंदे के फूल लेकर। अब ये दोनों दोस्त उसके घर आ चुके हैं कोको के, और कोको के लिए चावल की रोटियां खाना और उसकी खो गया है। ठीक है, मम्मी भी तो यहाँ पे पापड़ और चाय खा रही है, तो उसे देखकर कोको को मुंह में पानी भी आता है कि वो करे तो क्या करे, झूठ बोल चुका है, मेरा पेट भर चुका है। इसलिए वो मिमी और टिंसु से अपने आप को यानी कि अपनी रोटियों को भी बचाता है और अपने पेट की जो आवाज है गुरु की उससे भी बचना चाहता है। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। मिमी टिंसु से वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली है। मिमी कहती है कि वो ठीक है, अच्छा है, बस नाश्ते में उसने चावल की सारी रोटियां खा डाली, इसलिए ऐसा। टिंसु केले के पापड़ की तरफ देखकर आहा, केले के पापड़। मिमी मैं कोको के लिए भी ले आई, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। वो कहती है इसमें ये चावल जो केले के पापड़ है वो कोको के लिए लाई, लेकिन और मैं क्यों खा चुका है, चावल की रोटी से उसका पेट भरा हुआ है, इसलिए ये पापड़ खाने में खत्म करने में तुम मेरी मदद करो। इन सूप देखी और कुछ कुछ मुहावरे कहा हुआ है, भलाई के काम में देर नहीं करनी चाहिए, अच्छे काम में पूछने की क्या जरूरत है, नेकी और कुछ कुछ तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। टिंसु को पता था कि मिमी की माँ जो है गांव भर में सबसे अच्छे पापड़ बनाती है। टिंसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है, मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। टिंसु ने पापड़ खाना शुरू किया और मिमी उसे चाय पिलाने के लिए कप में डाल दी, तो दोनों इस तरह से खाना शुरू कर दिया। मिमी कप देकर केवल चाय के साथ खाओ, मिमी कप में चाय देती है कि लोग ये पापड़ के साथ खाते जाओ। ठीक है, टिंसु चाय की चुस्की लेकर होटो पर जीव फेरा कर बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। टिंसु को चाय बहुत अच्छी लगी, कहता है बहुत अच्छी चाय है, मेरी खुशकिस्मती है, आई एम लकी, जिसकी वजह से मुझे ये चाय पीने को मिली है, ऐसा वो कह रहा है। okay? कोको स्वागत तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। कोको कह रहा है तुम लकी हो और मैं अनलकी हूं। मिमी और टिंसु एक एक पापड़ खा लेते और मिमी दूसरा उठाती है, एक एक पापड़ खा चुके हैं दोनों, पापड़ उठा रही है। ठीक है मिमी ये लो टिंसु एक और खाओ, उठाकर देती है उसे, देखिए ये लो ये एक और पापड़ है तो खाओ उसे। टिंसु नहीं मेरे लिए तो एक ही काफी है, टिंसु कहता है नहीं मेरे लिए तो एक ही पापड़ काफी है। मिमी आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा शाम लो, एक में से हम आधा उतारते और एक पापड़ बचा हुआ है चौथा जो हम कोको के लिए रखते हैं उस शाम को खा लेगा। तो इस तरह से मिमी जो पापड़ लाई थी वो टिंसु और मिमी ने तीन पापड़ खत्म कर दिए। ठीक है, अब कोको को अभी तक कुछ मिला नहीं, न रोटियां मिली है न उसे पापड़ मिले न उसकी चाय उसके पीने को मिली है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये झूठ बोलने की वजह से उसको ये भुगतना पड़ा है। ठीक है, टिंसु तुम जो डालती हो तो दे लेता हूं, तीसरा पापड़ उसको नहीं खाना था, लेकिन जब उसे मिमी ने फोर्स किया तो कहता है ठीक है मैं दे देता हूं कोको, स्वागत, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं कोको से मरा जा रहा हूं। कोको अपने हिम्मत हिम्मत स्वागत यानी खुद स्वयं कहता है कि चलो एक पापड़ तो मेरे लिए छोड़ा है, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं, ठीक है एक तो पापड़ मात्र मैं खा लूंगा। टिंसु यह आवाज कैसी है,
निकाल दिया। उन्होंने ये बोल उसको जानवर रखने के लिए भेजे है, इसलिए आया है। करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, आज हम यहां तक देखेंगे।